नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। राजसमंद भीम क्षेत्र में पिछले लंबे समय से क्षेत्र में मुस्लिम युवकों द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य बहाने से भोली भाली युवतियों को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए इनका शोषण करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस तरह की घटनाएं केवल इस क्षेत्र में ही नहीं अपितु समूचे देश भर में योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश में फिर भी या तो जानकारी के अभाव में अथवा प्रेम जाल में फंसकर युवतियां युवकों का शिकार हो रही हैं। पिछले 3-4 वर्षों में देवगढ़ भीम क्षेत्र में भी इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें ग्रामीण अंचल की कई घटनाएं सामने आने एवं आरोपियों को सजा मिलने के बाद भी ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लव जिहाद की तर्ज पर हिंदू धर्म की भोली भाली युवतियों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर एवं सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां देने के बाद लगातार उनके शोषण से घबराकर युवतियां इस गंदगी में उलझती चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में परिजनों को गंभीरता से अपने बच्चों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी कई घटनाओं में कुछ चहेते येन क्रेन प्रकारेन उनको बचाने में भी जी जान से जुट जाते हैं और पीड़ित पक्ष को या तो दबाव पूर्वक समझा बुझाकर मामले को दबा दिया जाता है। मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू धर्म की भोली भाली युवतियों को सोशल मीडिया के बहाने बहलाने फुसलाने और प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करने की ऐसी ही एक घटना भीम अंचल में सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार 25 जुलाई को भीम अंचल में हुई घटना में रूपनगर अजमेर निवासी एक मुस्लिम युवक फैजाज खान पुत्र सतार खान ने एक हिंदू युवती को इंस्टाग्राम में संपर्क होने के बाद लगातार डरा धमकाकर उसके परिवारजनों को मारने की धमकी देने के उपरांत उस युवती के शोषण करते हुए अंचल की विभिन्न होटलों में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। इस मामले में युवती ने अपने परिजनों के साथ भीम पुलिस DSP कार्यालय में पहुंचकर पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह राठौर के समक्ष अपनी आपबीती घटना के बारे में जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई। युवती की यौन शोषण की घटना का संज्ञान लेकर पुलिस को आरोपी फरेब प्रेमी फयाज खान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट दी जा रही है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।